लड़के बॉयज रिमची पे मैं हूं आपके साथ शर्मा जी का लड़का विदित एंड आई हैव विद मी अ वेरी क्लोज फ्रेंड द वेरी फनी बस वो वाला द वेरी फेमस आर्ट मेरे साथ है अनुभव सिंह बस्सी स्टार्टिंग विद तू जाट है मेरठ का है एंड बहुत ज्यादा जो फेमस बात निकल के आई है मेरठ के बारे में वो ये है कि मेरठ में ना ऐसे एक्सटॉर्शन फेसिंग फ्लैट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा लड़ाई होती है वहां पे इसे आज मिला के जोक ना ये तो कट जाएगा पहली लड़ाई किस बात पे जो भयंकर वाली जो याद रहेगी एकदम मेरठ में लड़ाई करने के लिए बात नहीं चाहिए होती ना मूड चाहिए होता है मन कर रहा है हाँ, कि ऐसे मतलब कहीं पैटी खाने गए फिर पैटी खा ली हाँ। तो अब क्या करें अब तो पेट भी भरा हुआ है अभी घर भी नहीं जाने की जल्दी है और एनर्जी आ गई हाँ तो और कोई सामने से जा भी रहा है जिसने तुम्हारी तरफ देख लिया अच्छा ये है रीजन देखना नहीं देख इसी बात पर रोक लेते हैं कि घूरा कैसे अच्छा। क्योंकि वो देखने और घूरने में एक सेकंड का डिफरेंस है वहाँ पे वो उस सेकंड को पकड़ के उस लड़के को पीट देते हैं तो ऐसे हमने पीटा भी ऐसे हम पीटे भी अच्छा पीटे भी हैं अरे बहुत भाषा ऐसे थोड़े ना वहाँ पे बहुत शानदार लड़के आज टॉपिक है हम जिस बारे में बात करें वो ये है कि बोर्ड्स का टाइम चल रहा है और बोला जाता है कि मार्क्स अरे जोक और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्कूल में अगर हम जाते हैं ना तो सबसे पहला जो प्यार निकल के आता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पे तो आते ही आता है लेकिन किसी को तो ना एक जैसे मेरे को याद है मेरी हिस्ट्री की थी मेरा बहुत भारी क्रश आया था उन पर मुझे 5th-6th क्लास में था एक कंप्यूटर टीचर थे हमारे उन पर स्कूल में कंप्यूटर थे नहीं कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर नहीं है तो टीचर खाली रहती थी तो वो भी खाली रहते थे हम भी खाली रहते थे तो फिर मोमेंट बन गया ओलंपिक में मुझे लगता है इस साल जो स्पोर्ट आना चाहिए वो है पेन फाइट मतलब हर पीरियड के बीच में हर बंदे ने प्रैक्टिस किया मतलब दिन में 8-9 गेम तो खेला गया एक एक बंदा खेला है तूने खेला पेन फाइट हाँ मैं तो मतलब उसके लिए स्पेशली आप पैसे जोड़ते थे ना कि मैं एक वो मोटा वाला पेन खरीद के लाऊंगा उससे फिर मैं खेलूंगा ट्राइमैक्स था मतलब मुझे नाम याद राइटोमीटर भी था शायद उस टाइम पे उसकी जो वो जो लगाते हैं आप जो भी क्लिप्सी वो बहुत हैवी होती थी तो वो आप लाते हो फिर कुछ लड़के होते ही हर स्कूल में हर क्लास में जो चोर होते हैं हाँ। वो चुरा लेते थे वाला फिर उनके बैग में तुझे वापस निकालो फिर उनके बैग में से निकला 18 ट्राइमैक्स 18 ट्राइमैक्स निकल रहे हैं उस पे पूरी फौज है उस पे कॉपी भी नहीं है उस पे उसे भरना हाँ। नहीं चलाना थोड़ी उसको कि मेरे को पहली बार इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था पता जब मैं ट्राइमैक्स लेके बैठा था सामने वाले बंदे ने अच्छा सुनो पार्कर तो हमने देखा ही है दुकान पे टंगा हुआ हमेशा से पार्कर टीवी में देखा है नहीं मैंने दुकान पे टंगा हुआ देखा है मेरिट में ऐसे मेरठ में आ गया पार्कर ये वाला पेन और इस घूरियो मत इधर कोई ना कोई पेल देगा तुझे ठीक एक सेकंड से ज्यादा तो टिफिन खाया ऐसे कि मैम साहब वहाँ पे एक और चीज अच्छी थी मतलब मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे तो मैं मतलब जितने भी लड़कियां दोस्त थी उनसे पहले ही बोल देते थे कि हमारे लिए भी लेकर आना तो वो अपने घर से लाती थी फिर 11th-12th में तो बहुत ही सही सीन हो गया था हमारे साथ की कुछ एक दो बंदी थी जो होम साइंस ले ली थी जिन्होंने तो वो तो बनाते थे रोज तो मतलब वो तो रोज मतलब ये हो गया था कि आज तो रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है कोई बना रही है वहां पे वो मैं कह रहा हूँ मेरा मेरठ कितना पेट्रियार्कल है कि वहाँ पे स्कूल में ही बच्चे लड़कियों के लड़कों के लिए खाना लेके आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब से बनाया मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि ऐसा होता था बस ये आ गई हेडलाइंस होम साइंस में लड़के भी थे यार लड़के भी थे हमने लड़कों से भी खाया वो एक्चुअली लड़के बुरा बनाते थे इसलिए नहीं खाते थे उनके हाथ का क्योंकि लड़कियों को आता है तमीज होती है लड़कियों को पता ही मत कर स्कूल में वाटर कूलर सबसे ज्यादा यूज होता था वो लवर्स पॉइंट हुआ करता था कि सारे लड़के लड़के वहां पे एक साथ ही पानी पी रहे हैं फिर वो टैप के नीचे से मुंह कहाँ चला है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो स्कूल रोमांस कभी हुआ है बहुत ज्यादा मतलब प्लेयर रहे अश्विन पटेल एकदम नहीं लेकिन हाँ मतलब एक ही से हुआ है लेकिन हुआ है ढंग से हुआ है हाँ मतलब कैसे मेरी तरफ से ढंग से था लेकिन एक और डिफरेंस भी है कि दिल्ली में वाटर कूलर वाला सीन जो होगा दिल्ली में जो अच्छी जगह है तो उन पे वाटर कूलर सिर्फ रोमांस वाला सीन होगा यहाँ पर वाटर कूलर पटाखे फोड़ने का सीन था हाँ ये मेरे स्कूल में भी था तो वो है कि वहाँ पर और वहाँ दिवाली का कोई वो नहीं है वहाँ नहीं मानते पटाखे के लिए दिवाली चाहिए हाँ मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर आज सुबह पटाखा देंगे तो आज दिवाली है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ बंदा और किसी को अगर कोई डेट कर रहा है आपस में तो वो जाके सीधा जाके रोमांस की जगह ढूंढ लेंगे नहीं वो पहले चेक करेंगे इसके पीछे सुतली मम पर लगा हुआ कभी यहाँ खड़े रोमांस कर रही है वाटर कूलर ही फट गया पूरा और वाटर कूलर के पास बॉम्ब लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है पहले तो उसकी पूरी सुतली छीनी जाती है फिर उसके ऊपर अगरबत्ती लगाई जाती है तू भी चीता मैं भी आई एम वर्किंग ऑन अ सेट नाइस नाइस करो मैं का ट्राई करने लगे हाथी कॉपिंग जोक्स प्रमाइस ही कॉपी कर ले भाई पर आगे नहीं बढ़ पा रहा 2.5 साल हो गए आरजे बहुत बढ़िया है आरजे कर ले वो भी तुझे पता नहीं है हां मैंने कभी सुना नहीं इसको बोल दिया तूने मन में नहीं नहीं मैं इससे खुद ही पूछ लेता हूं कि तू बढ़िया है ना इसने कहा हां मैं बहुत बढ़िया हूं मैंने कहा तो ठीक है बढ़िया क्लासेस जो है वो बहुत बंक की जाती हैं तो आपने कभी क्लास बंक करी है हमेशा सारी क्या
लाइक टीचर के सामने निकला जाता था ये बोल के मैम आई हैव अ हेडेक मे गो टू टॉयलेट, या फिर बिल्कुल ही पहले जो ट्रांजिशन पीरियड होता है टीचरों का? नहीं यार पता नहीं, हमारे साथ तो कुछ ऐसा था कि टीचर ही निकाल देती थी मतलब क्लास में उसे बंक नहीं पनिशमेंट कहते हैं। नहीं नहीं ठीक कह रहा है लड़का ये आरजू तो अच्छा है। हां ठीक एक्चुअली बंक दो तरीके होते हैं बंक मारने के, एक होता है जब आप खुद ही चले जाओ बंक मार लिया आपने ठीक है, एक होता है जब आप बंक क्रिएट कराओ टीचर से। जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट तुम्हें मिले ही मिले, तुम जबरदस्ती पनिशमेंट अगर ले रहे हो ना खड़े होकर तो वो बंक का पार्ट कैसे लेता पनिशमेंट तू? टीचर मतलब जैसे टीचर क्लास में आया एकदम घुसते ही उसे कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी, जैसे कुछ भी चौक मार दे कुछ कर दिया, चौक मार दिया हां मतलब ये तो करा यार ये तो यार। लेकिन वहां ऐसा था ना कि आदि हो चुके थे थप्पड़ पड़ खाने के भी ना ऐसे एकदम क्लास में कोई घुसा है तो। एक हमारा फ्रेंच के टीचर थे, अब फ्रेंच हमें क्यों सिखा रहे हो मेरठ में? मेरठ में हमारे क्या मतलब फ्रेंच से, और सबसे प्यारी बात उन्हें भी नहीं आती जो हमें सिखाने आ रहे हैं। तो फ्रेंच में कुछ तो होता था मुझे भी याद नहीं है, ए बी सी डी कुछ आबा साडा कुछ ऐसे करके बोलते थे तो मुझे ऐसी क्लास में घुसते थे तो हम ऐसे टेबल बजा बजा के आबा साडा करने तो उन्होंने निकाल देते थे हमें क्लास में घुसते। बस इतना होता था कि जैसी क्लास से निकलेंगे बाहर निकलेंगे। अच्छा क्योंकि हम बाहर खड़े होकर भी इतनी बातें करते थे, कई बार ऐसा बाहर खड़े हुए तो एमसीबी बाहर लगी हुई है टीचर से पढ़ा एमसीबी गिरा तो वो टीचर कह रहा है ऐसा सुनो बाहर से भी चले जाओ यहाँ से तो ग्राउंड चले जाओ ग्राउंड। हमने कहा इससे बड़े क्या बात है तो रोज कराओ हमें इसको पार्टी नहीं कहते, पार्टी नहीं कहते रोज कराओ इसे क्या पनिशमेंट थोड़ी ना ये। नेक्स्ट है भाई साहब अभी क्योंकि एग्जाम भी चल रहा है बहुत लोग करेंगे अभी चीटिंग, आपने वो 6 ट्रू है 4 फॉल्स है तो बता दिया, बाकी अलग एक्सपीरियंस मेरे को उससे हट के जरा आप बताएं कि चीटिंग कैसे कैसे करी गई है और कैसे ही हुई है सामूहिक चीटिंग एग्जामों में? क्या तरीका उसमें कुछ करना थोड़े ना, जिस बच्चे को कुछ आता है उसको बोल दो कि दिखा, उसको दिखाएगा नहीं क्या, उसको 3 घंटे बाद घर नहीं जाना क्या? ये तो एक अलग सेफ्टी स्कूल में मिली हुई है बच्चों को। प्री बोर्ड तक मेरे सामने जो लड़का बैठता था वो उसका मुझे पता था कि इसमें बुद्धि नहीं है। मैं बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन उसके बाद वो था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, बहुत डेयरिंग बंदा तो मैं वो फरवरे ले जाता था तो मैं उससे बोलता था कि सुन दो दो ले जा क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे लड़का था, वो वैसा वाला था कि फर्रे तो है लेकिन कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा ये नहीं पता चला। अच्छा क्वेश्चन ही याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं उसे मतलब ये है कि आंसर तो मैंने लिख लिया पर उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा डालना है उसका वो वाला सीन था तो वो बताने के चक्कर में फर्रे उसके पास रखता था। कितनी बार ऐसा मैंने नोट्स पूरे पूरे उसके पास रखे फिर वो पकड़ा गया मेरे सामने पिट रहा वो और तुझे दुख इस बात का मेरे को फर्रा तो दे रहा था वो क्लास का आधा घंटा क्वेश्चन का हो गया यार। एक मुझे बोर्ड का याद है, बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन थी मेरे पास तो एग्जाम के पीछे मैंने बुलाया, मैंने कहा सर इधर आओ बाकी ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसे पढ़ के उन्होंने बोला अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है गजब के इसको ही नहीं आता तो हम क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा सर मैं चीटिंग नहीं करना चाहता लेकिन मैं ना आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ पूरे उसमें घूमा और ये बताओ ये आता किसको है लिख क्यों रहे बच्चे आप पास। मैं एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहूंगी मैं क्या मैं वहां से पूछ सकता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग पेपर वेपर देके घर जाते हैं तो हमारा पेपर तो हमें पता है कि कितना बुरा गया है लेकिन हम घर पे जाके बोलते हैं इसमें 95 से कम तो आ ही नहीं रहे। मम्मी को तो कुछ भी बोल दो, मम्मी को तो मैं कई बार ऐसा बोला कि इसमें तो मतलब ये तो मेरे ही है सबसे ज्यादा मतलब ये तो पढ़ाता भी मैं ही हूँ स्कूल में। मम्मी को लगता था कि बहुत ही सही जा रहा है सब कुछ और फिर उसके बाद ऐसे देते हैं कि इसको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करो तू नहीं कर दी एकदम से। मेरे दोनों के पूरे पूरे साइन करने आते हैं मेरे चक्कर में पापा ने हल्का तो टेढ़ा करना शुरू कर दिया किस दिन पैसे वैसे ना निकाल ले। नहीं मेरे 4-5 दोस्त हैं जिनके पापा के साइन करने आते थे मुझे क्योंकि मुझे कुछ आदत है मतलब मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो मेरे पेन से मुझे कुछ आदत है कि मैं कॉपी के पीछे कुछ कैलीग्राफी करता रहूंगा कुछ कुछ करता रहूंगा मेरा पूरा टाइम पास उसी में होता था। आपका तो साइड बिजनेस रहा होगा स्कूल में ही। तो फिर मुझे एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि मैं यही क्यों निकल ले रहा हूँ कैलीग्राफी तो मेरी कोई देख नहीं रहा है और सबके सिग्नेचर कैलीग्राफी ही है लेके आओ। तो मेरे चाचा जी थे मेरी कजन है उसके पापा थे वो तो एकदम ऐसा होता था कि इतनी डायरी आती थी और मैं एकदम उन्होंने कहा ऑफिस में बैठिए बैठिए क्या समस्या सैंडविच या पैटी या फ्रूटी ये अवेलेबल कराइए हम थोड़ा भी साइन करके देते हैं आपको। हमारे टीचर को पता चल गया था कि ये साइन करता है। अच्छा और उसे ये नहीं पता था मैं उसके भी करता हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर कौन याद है जिसकी कोई एकदम याद हो उसका आज तक दर्दनाक रहा है? एक चौहान सर होते थे चौहान सर भी स्कूल में एक कॉरिडोर के बीच में खड़ा करके उन्होंने एक लड़के में थप्पड़ मारा भाई साहब उस दिन के लिए सब सॉरी हो गए जिसने कभी 3 दिन पहले कोई पाप किया था ना वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि सर इतनी तेज मत करना। एक और थे सॉरी सॉरी एक और थे हमारे फिजिक्स के टीचर थे वो भी श्रीनिवास सर वो पता ऐसे करते थे ऐसे जैसे कि गाल है ना ऐसे कहते थे ये कितने का नोट है क्या क्या फुदू बात है कितने का नोट है क्या मतलब है क्या ये ऐसे कहते थे। बच्चा बोलता था 5 कहते नहीं 500 और ये मिला के कितना हुआ बच्चा कह रहा 1000 और चट ओ भाई साहब उसके जो चट लगता था ना 1000 सबका मन करता था 1000 रुपए का हमने मार दिया। बहुत बड़े शानदार। हाय मैं हूं अनुभव सिंह बस्सी मेरे 12th में 85% आए थे तो अगर मेरे आ सकते हैं तो तुम्हारे भी सबके आ सकते हैं तो स्ट्रेस क्यों लेना मस्त मजे करो बढ़िया से कटेगी लाइफ मार्क्स सारा जोक।